स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध के ऐलान के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें 11 एयरबेस भी शामिल हैं। यूक्रेन में पल पल बदलते हालात और गहराते तनाव के बीच भारत के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि वहां करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जो लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स ने बताया वहां के हालात बेहद खराब हो रहे हैं। कॉलेज बंद हो गए हैं, पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है। टेंशन के माहौल के बीच सभी बच्चे दहशत में हैं। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। यहाँ पर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लोकेशन अलग अलग है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। सिचुएशन नॉर्मल होगी, सिचुएशन वर्स होगी, कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज सारी फ्लाइट्स बैन हो चुकी है, ना ही हम अपनी कंट्री लौट सकते हैं, ना ही आगे कोई स्टेप ले सकते हैं। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडियन एम्बेसी डिसीजन ले एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज सिचुएशन वर्स होते टाइम नहीं लगेगा और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पैनिक हो चुके हैं। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एम्बेसी डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट वी कैन गेट बैक टू आवर कंट्री। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो शेयर कर बच्चे अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। बच्चों के यूक्रेन में फंसे हुए होने पर उनके पेरेंट्स भारत में काफी घबराए हुए हैं। बच्चे परिवार से दूर हैं और टेंशन के माहौल को जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है उससे भी डर और बढ़ गया है। गौरतलब है कि यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के बाद कल एयर इंडिया की फ्लाइट बीच रास्ते से ही बिना भारतीयों को लिए वापस लौट आई। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हमले के बाद अब यूक्रेन से फिलहाल भारत लौट आना वहां फंसे भारतीयों के लिए आसान नहीं होगा। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाए। देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।